डियर स्टूडेंट्स एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर 13.2। टॉपिक है फैन परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑपरेशन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फैंस एंड ब्लोवर्स की बेसिक्स जो हैं वो कवर कर ली थी तो आज देखते हैं कि सिस्टम की जो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो क्या हैं और फैन की कर्व्स जो हैं वो किस तरीके से असरअंदाज होती हैं और बनती हैं तो सिस्टम क्रैक्टिस्टिक की बात करते हैं सबसे पहले तो सिस्टम क्रैक्टिस्टिक में सिस्टम रेजिस्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी स्टैटिक प्रेशर तो सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है इसको हम सिस्टम कर्व भी कहेंगे सिस्टम रजिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ डक्ट्स पिकअप्स एल्बोज एंड द प्रेष ऑफ एकरविपमेंट जस्ट लाइक बैक फिल्टर फॉर एग्जाम्पल क्योंकि रजिस्टेंस जो है वो फैन सिस्टम में तब पैदा होती है कि जब जो एयर फ्लो है उसमें रजिस्टेंस आ जाए और वो रजिस्टेंस जो है वो डक्ट्स की वजह से आती है पिकअप्स एल्बोज जो पाइप्स होती हैं और जो भी सिस्टम्स जो एयर फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनमें जब ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या प्रेशर ड्रॉप्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी इक्विपमेंट्स अक्रॉस इक्विपमेंट्स उसकी वजह से सिस्टम में रेजिस्टेंस जो है वो पैदा होती है फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर द फैन इन सिस्टम विद नैरो डक्ट्स एंड मल्टीपल शॉर्ट रेडियस एल्बोज इज गिविंग इज गोइंग टू हैव टू वर्क हार्डर ओवरकम अ ग्रेटर सिस्टम रेजिस्टेंस हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें अगर यह कहें कि फैन एक सिस्टम है उसमें नैरोस हैं और मल्टीपल शॉर्ट रेडियस एल्बोज हैं ज्यादा एल्बोज लगी हुई हैं उस सिस्टम में हार्ड वर्क जो है वो ज्यादा हार्ड होगा या फैन को ज्यादा जो है वो वॉल्यूम प्रोड्यूस करना पड़ेगा और जो रिजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी और उसको ओवरकम करने के लिए सिस्टम को वर्क हार्डर करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम की रेजिस्टेंस ड्यू टू दी नैरोडक्ट्स एंड मल्टीपल शॉर्ट रेडियस एल्बोस की वजह से ज़्यादा होगी और इसके बकौल अगर हम ये कहें कि इट वुड इन अ सिस्टम विद लार्जर डक्ट्स अगर हम ये कहें कि लार्जर डक्ट्स के सिस्टम हैं और मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्ग रेडियस टर्न्स हैं तो हम कहेंगे कि उसमें सिस्टम को कम काम करना पड़ेगा लेस हार्डर होगा और जो सिस्टम की रिजिस्टेंस है वो भी कम होगी लॉन्ग नैरो डक्ट्स विद मैनी बेंड्स एंड ट्विस्ट विल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू पुल द एयर थ्रू दैम लॉन्ग नैरो डक्ट्स जो हैं लंबी जो छोटी डक्ट्स हैं और जिनमें बैंड्स ज़्यादा हैं ट्विस्ट ज़्यादा हैं उन, उन सिस्टम में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी ताकि फिर जो है वो एयर जो है वो उसके अंदर से क्रॉस हो सके दस सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज इज सबेंशली एज द वॉल्यूम ऑफ एज द वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू सिस्टम इंक्रीजेज और इसको हम कहेंगे कि यह स्क्वेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट है जो भी वॉल्यूम का जो फ्लो रेट है उस वो उसका स्क्वेयर करेंगे ठीक है कन्वर्सली रेजिस्टेंस डिक्रीज एज फ्लो डिक्रीज फ़्लो डिक्रीज़ कर जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज करेगी टू डिटरमाइन व्हाट वॉल्यूम द फैन विल प्रोड्यूस इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू नो द सिस्टम रेजिस्टेंस करक्टरिस्टिक्स तो जो भी फैन जो वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि सिस्टम की रेजिस्टेंस करेक्टिस्टिक का मालूम होना अब फैन करक्टरिस्टिक्स में कर्व्स जो हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं और इन कर्व्स की बुनियाद पर ही हम अंदाज़ा कर पाएंगे कि सिस्टम का जो फ्लो है वो कितना है ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हैं और इसके अलावा भी चीज़ें हैं तो फैन करक्टिक कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ फैन कर्व्स फैन की जो करेक्टिस्टिक्स हैं वो फैन कर्व्स जो हैं उससे रिप्रेजेंट किया जाता है और फैन कर्व्स जो हैं वो परफॉर्मेंस कर्व्स हैं जो फैन कर्व्स हैं एक्चुअली वो परफॉर्मेंस कर्व्स हैं जिनको हम कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फैन का अंडर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस जो भी स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस होंगी उसके अंदर फैन कर्व्स जो हैं वो परफॉर्मेंस कर्व्स होंगी उस पर्टिकुलर फैन की और रिलेशनशिप बिटवीन दी अमाउंट ऑफ फ्लो एंड अमाउंट ऑफ प्रेशर ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको नॉर्मली यूज़ किया जाता है

कौन कौन सी सेट ऑफ कंडीशन जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं या कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो फैन में इन्वॉल्व होते हैं तो एयर फ्लो है इसमें सिस्टम स्टैटिक प्रेशर है जिसको हम अमाउंट ऑफ प्रेशर कह सकते हैं फैन स्पीड है या फैन की परफॉर्मेंस है और इसके साथ ब्रेक हॉर्स पावर है और जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो क्या है ब्रेक हॉर्स पावर इज मेजर ऑफ द पावर ड्रॉन बाई द मोटर टू टर्न दैन या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पावर एब्जॉर्ब करेगा फैन एट इट इट्स ऑपरेटिंग पॉइंट इसको हम कहेंगे कि दिस इज द ब्रेक हॉर्स पावर ब्रेक हॉर्स पावर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग फैन स्पीड एंड असिस्टम स्टेटिक प्रेशर और साथ में एयर फ्लोरेट क्योंकि ब्रेक हाउस पावर सिस्टम कर्व में राइट हैंड साइड पे होती है तो सिस्टम कर्व्स में जो भी ग्राफ होगा उसमें राइट हैंड साइड पे ब्रेक हाउस पावर का हम यू कह लेंगे राइट कॉलम होगा तो उसके जो बाकी फैक्टर्स बचते हैं तो वो हमारे पास तीन बचते हैं कि फैन स्पीड कर्व क्या होगी प्रेशर कर्व क्या होगी और इसके साथ साथ एयर फ्लो जो कर्व है वो क्या होगी सम फैन कर्व ऑल्सो इंक्लूड एन एफिशियंसी कर्व फॉर द डिज़ाइनर टू नो वेयर ऑन दैट कर्व द फैन विल भी ऑपरेटिंग अंडर द चूज एंड कंडीशन तो कुछ मैन्यूफैक्चर जो हैं वो या डिज़ाइनर जो हैं वो एफिशियंसी कर्व भी बता देते हैं और वो भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है और उसका ये फायदा हो जाता है कि फैन जो है वो ऑपरेट करेगा अंडर कौन सी जो भी चूज एंड कंडीशन होंगी उस पर ऑपरेट करेगा

फाउंड uh, कर सकते हैं एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करके ठीक है जो पास करेगी थ्रू द ऑपरेटिंग पॉइंट और इंटरसेक्शन के साथ विद दी पावर कर्व तो अब ये कर्व्स देख लेते हैं कि जितनी कर्व्स हैं इनको समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट इनमें क्या है और प्रेशर कर्व क्या हैं और सिस्टम की जो रेजिस्टेंस कर्व है वो ये जो प्रेशर कर्व है ये क्या है ताकि कंसेप्ट जो है और अंदाज से एलैबरेट हो सके इस कर्व से स्टार्ट करते हैं दिस इज द बेसिक सिस्टम कर्व ये बेसिक सिस्टम कर्व है जिसको हम सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व भी कह रहे हैं और इस कर्व को हम डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रेशर वॉल्यूम जो है वो स्क्वेयर है डबल्ड है ठीक है ये सिस्टम रेजिस्टेंस जो है तो एयर फ्लो वॉल्यूम ऑफ फ्लो इज डबल्ड विद द गिवन प्रेशर तो ये जो कह लें कि स्टैंडर्ड सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व है जो हमेशा से ये ही रहेगी अच्छा यहां पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो फैन कर्व है वो ऑपरेट करेगी फैन कर्व ऑपरेट करेगी विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। तो हम यहां देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो कर्व है जो जिस, जिसको हम ये वाली कर्व कह रहे हैं तो ये कर्व है ठीक है दिस इज द रेजिस्टेंस कर्व एंड दिस इज फैन कर्व अच्छा फैन कर्व अगर हम इस पॉइंट पर कहें तो इस पॉइंट पर फैन जो है वो स्टार्ट होगा मतलब यहाँ पर ऑफ है इस पॉइंट पर और यहाँ से जब आगे मूव होगा फैन का हम ये कहें कि ऑपरेटिंग पॉइंट चलना शुरू होगा ऑपरेटिंग पॉइंट अभी यहाँ नहीं होगा मतलब ऑपरेशन होगा चलना शुरू होगा तो ये यहाँ फैन कर्व जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये फैन कर्व यू चलते चलते अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम रजिस्टेंस जो भी आएगी उसके हिसाब से यहाँ पर सिस्टम रजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है और ये सिस्टम रजिस्टेंस स्लोली स्लोली डिक्रीज होती जाएगी और इस पॉइंट पर आकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम रजिस्टेंस जीरो है और मैक्सिमम फ्री डिलीवरी जो है वो फैन दे सकता है लेकिन फैन के जो नॉर्मल ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेंज है वो इस दो पॉइंट्स पर हैं मतलब कहने का जैसे ये हुआ कि हम ये अगर ये कहें कि ये एरिया लोअर सिस्टम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का है हम देख पा रहे हैं जो ये लाइन है और जो ये लाइन है ये हाई सिस्टम रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू स्टैटिक प्रेशर अच्छा यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एयर फ्लो है और ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर है अब हम ये देख सकेंगे कि इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू फ्लो कैसी होगी कि अगर हम कर्व बी को कर्व ए से कंपेयर करें तो कर्व बी जो है वो हायर रेजिस्टेंस है यहाँ पर सिस्टम की रेजिस्टेंस ज़्यादा है ठीक है और यहाँ पर सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो कम है ठीक है और ये जो रेजिस्टेंस है इस जगह पर ये ज़्यादा है सिस्टम की तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू फ्लो जैसे फ़्लो बढ़ेगा वैसे ही रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट या कर्व ए से कर्व बी पर मूवमेंट तब होगी जब सिस्टम में डैम्पर या तो क्लोज होगा या जो फिल्टर है वो जो सिस्टम का वो चौक हो जाएगा तो यहां देखते हैं सिस्टम का ऑपरेटिंग पॉइंट और जो फैन की कर्व है सो दिस इज़ अ सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व ठीक है और जो फैन परफॉर्मेंस कर्व है तो so ये फैन परफॉर्मेंस कर्व है तो so जैसे बताया था कि जब सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व और फैन परफॉर्मेंस कर्व जब आप इसमें इंटरसेक्ट करेंगे सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये एरिया जो है वो ब्रेक हाउस पावर की आ, का पॉइंट है और यहां से हम जो ब्रेक हॉर्स पावर है उसको भी विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंट सिस्टम रेजिस्टेंस एंड फैन परफॉर्मेंस कर्व जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए अगर हम कि अगर ये जो फैन है ये ऑपरेटिंग पॉइंट इसका 350 फिफ्टी है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेजिस्टेंस चेंज ठीक है और विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड चेंज ऑपरेटिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ठीक है और जैसे ही फ्लो चेंज हुआ सेवन हंड्रेड आर पी एम का फ्लो आया फ्लो चेंज होते ही जो रेजिस्टेंस है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हुई और उसके चेंज होते ही जो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट था वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया अब सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक और फैन कर्व्स को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं फैन मैन्युफैक्चरर्स परफॉर्म एक्चुअल टेस्ट टू फाइंड आउट द स्टैटिक प्रेशर वैल्यू ऑफ द फैन फॉर डिफरेंट एयर फ्लो जिसमें फैन को, को की लेकर डिफरेंट एयर फ्लोज ठीक है उनको करते हैं और उनको प्लॉट करते हैं द प्रेशर रिक्वायर्ड बाई सिज ऑफ फ्लोज कैन बी डिटरमाइंड और जिसको हम कहते हैं कि वो सिस्टम परफॉर्मेंस कर्व है और उसको हम एस सी कह सकते हैं ठीक है एस सी मतलब ये एस सी वन एस सी टू

कब इंटरसेक्ट करेगी और दूसरी एस सी वन जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा ए और इसको हम कहेंगे ये हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट फ्लो Q1 को जाहिर करता है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये एयर फ्लो Q1 और जो प्रेशर होगा वो पी को जाहिर करेगा ठीक है तो दिस इज द पॉइंट ए फैन एक्चुअल ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन दिसकर्विल डिपेंड ऑन दि सिस्टम रिजिस्टेंस ठीक है अब जो एक्चुअल ऑपरेटिंग पॉइंट होगा इस कर्व पर वो डिपेंड करेगा सिस्टम की रिजिस्टेंस पर फैन ऑपरेटिंग एट ए यहां पर ए है इसलिए अब इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि फ्लो क्यू वन है और प्रेशर पी वन है हाँ अगर ये चेंज होगा पी वन क्यू वन चेंज होगा तो हो सकता है कि फिर यह ये, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यह भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी टू अब क्या होगा कि अगर हम ये कहें कि टू मैथ कैन बी यूज टू रिड्यूस एयर फ्लो फ्रॉम Q1 वन टू क्यू अगर हम ये कहें कि Q1 से अब हम Q2 पर आना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है एयर फ्लो को रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसको पहला मेथड क्या है कि रिस्ट्रिक्ट एयर फ्लो बाय पार्शियली क्लोजिंग डैम्पर इन द सिस्टम जो भी डैम्पर लगा होता है उसको क्लोज करके जो एयर फ्लो है उसको कम कर दिया जाए दिस एक्शन का न्यू सिस्टम प्रेशर कर्व एस सी टू इससे ये होगा कि जो सिस्टम कर्व है क्योंकि जैसे आपको बताया कि जैसे ही डैम्पर को क्लोज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब यह है कि सिस्टम की जो सिस्टम की जो रेजिस्टेंस कर्व है वो भी चेंज होगी ठीक है वो भी चेंज होगी तो उसका मतलब ये हुआ कि अब जो नई कर्व है वो जनरेट हो जाएगी एस सी टू ठीक है अब यहां पर नुकसान क्या होगा नुकसान ये होगा कि जो प्रेशर था पहले पहले से वो बढ़ जाएगा अब रिक्वायर्ड प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा ठीक है जो रिक्वायर्ड प्रेशर इज ग्रेटर फॉर एनी गिवन एयर फ्लो तो इसका मतलब है जब प्रेशर बढ़ा तो सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी अब फैन विल नाउ ऑपरेट एट पॉइंट बी फैन जो है वो पॉइंट बी पर ऑपरेट करेगा टू प्रोवाइड द रिड्यूस्ड एयर फ्लो अब एयर फ्लो भी जो है वो Q2 आ जाएगी कम हो जाएगी और जो प्रेशर है अगेंस्ट हायर विद रिस्पेक्ट टू और ये ये जो है हायर प्रेशर के साथ जो है वो हम ये कह सकेंगे फ्लो करेगा सो फैन विल ऑपरेट एट पॉइंट बी टू प्रोवाइड द रिड्यूस्ड एयर फ्लो क्यू टू अगेंस्ट हायर प्रेशर ऑफ पी टू अच्छा दूसरा मेथड क्या है सेकेंड मेथर्ड टू रिड्यूस एयर फ्लो इज बाई रिड्यूसिंग द स्पीड फ्रॉम एन वन टू एन टू हम दूसरे नंबर पर ये करें कि या तो एन वन की जो फैन स्पीड थी पहले ये एन वन पहले जो कर्व है इसको चेंज कर दें विद रिस्पेक्ट टू एन टू मतलब एन वन से एन टू ले आए हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड को अब हमने रिड्यूस कर दिया है कीपिंग द डैम्पर फुली ओपन अब जो फ्रंट डैम्पर है जहां से एयर फ्लो निकल रही है उसको हम फुली ओपन रखें इससे क्या होगा इससे अब हमें एक नई नया ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा और वो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ऑपरेटिंग पॉइंट अब यहां पर ये देखें, ऑपरेटिंग पॉइंट सेम क्यू टू फ्लो बट एट लोअर प्रेशर ये देखें अब इसका क्या फायदा हुआ हमें कि P3 एक नया प्रेशर यहां पर आया और Q2. ठीक है लेकिन कॉर्डिंग टू दिस एस सी टू करव यहां पर देखें तो प्रेशर भी ज्यादा था और सेम एयर फ्लो मिल रहा था जब हमने डैम्पर को क्लोज किया सेम एयर फ्लो मिल रहा था लेकिन प्रेशर ज्यादा था ठीक है लेकिन जब हमने फैन की स्पीड को कम किया तो इसका फायदा ये हुआ कि अब हमें सेम एयर फ्लो मिल रही है लेकिन सिस्टम की जो रिजिस्टेंस है वो कम है या हम कह सकते हैं एट लोअर प्रेशर ऑफ पी थ्री सो क्या आखस करेंगे दस रिड्यूसिंग the स्पीड इज is मच मोर more efficient टू डिक्रीज एयर फ्लो सिंस लेस पावर इज रिक्वायर्ड एंड लेस एनर्जी इज कंज्यूम तो एनर्जी कंजर्वेशन method जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम सिस्टम नहीं बल्कि प्रेशर और एयर फ्लो कर्व की वजह से कि सिर्फ हमने जो है वो rpm को रिड्यूस किया rpm reduce रिड्यूस करने से जो पावर की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई और efficient method है तो इस तरीके से हम सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स और फैन कर्व्स को समझ सकते हैं अब फैन लॉस की बात करते हैं कि फैन लॉस जो है वो क्या कहते हैं द फैंस ऑपरेट अंडर अ प्रिडिक्टेबल सेट ऑफ लॉज कंसर्निंग दी थ्री फैक्टर्स ठीक है प्रिडिक्टेबल लॉज क्या है पहला इनमें स्पीड है दूसरा पावर है और तीसरा प्रेशर है तो इन तीनों पर जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं चेंज इन स्पीड आर पी एम ऑफ एनी फैन विल प्रिडिक्टेबली चेंज प्रेशर राइज एंड पावर नेसेसरी टू ऑपरेट इट एट दू आर पी एम तो हम देखेंगे कि चेंज ऑफ जो आर पी एम है वो किसी भी फैन पर प्रिडिक्टेबली क्या चेंज लाएंगे

केयर वॉल्यूम रेट चेंज करें तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ इज पावर वट पावर डिमांड इफ द इम्पैलर स्पीड चेंजेस दिस वन इज द थर्ड लॉ अब इन तीनों लॉज को बारी बारी देखते हैं और साथ में इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो पाएगा कि सिस्टम जो है वो किस तरीके से लॉज जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो इस फर्स्ट लॉ की बात करते हैं फर्स्ट लॉ में ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड बाय ए फैन चेंजेस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द फैन इंपेलर कैसे कि दिस वन इज अ फ्लो एंड हियर इज अ स्पीड तो दीज आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर मतलब अ ग्राफ विल बी अ लीनियर ठीक है ग्राफ विल बी अ लीनियर तो मतलब क्या हुआ कि वेरिंग द आरपीएम बाय 10%

Q2 Q2 क्या क्या बचेगा? Second air flow. तो तो हमारे पास क्या है? 1000 हम देख सकते हैं जो हमारे पास सोलूशन आ रहा है वो 500 मीटर क्यूब पर आवर हाफ हो गया है फ्लो जब स्पीड को भी रिड्यूस कर दिया था तो यहां से फर्स्ट लॉ की समझ आ गई कि फर्स्ट लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड बाय फैन चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द स्पीड ऑफ द फैन इंपेलर अब बात कर लेते हैं लॉ लॉ की। है प्रेशर के प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड द प्रेशर डिवेल्प एंड द प्रेशर ड्रॉप इन सिस्टम स्क्वायर ऑफ द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द इंपेलर हम देख सकते हैं इससे पहले भी हमने इस तरह का एक ग्राफ देखा कि प्रेशर और स्पीड में जो डिफरेंस क्या आएगा कि प्रेशर सेम होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर स्पीड जो है वो स्क्वेयर हो जाएगी तो हम जब स्क्वेयर होगी तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे सिस्टम की रिजिस्टेंस ओरिजिनल रिजिस्टेंस कर्व थी तो ये वैसे ही रिजिस्टेंस कर्व बनती है यहाँ पर ठीक है दिस इज नॉट अ लीनियर कर्व तो सिस्टम विद द स्क्वायर ऑफ चेंज ऑफ ऑफ द द स्पीड इंपेलर या हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम पासिंग थ्रू द सिस्टम ये दोनों बातें इसमें हो सकती हैं और हम इन दोनों के हवाले से सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं तो प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड स्क्वायर ठीक है मतलब फ्लो और स्पीड जो है लाजमी बात है वो आरपीएम में यहां देखेंगे हम तो इसका फॉर्मूला क्या है एस वन डिवाइड बाई एस टू मतलब स्टैटिक प्रेशर

टू थाउजेंड ठीक है डिवाइड बाई वन थाउजेंड ठीक है और मल्टीप्लाई बाई टू हंड्रेड पासकल तो ये एन टू डिड बाई एन वन मल्टीप्लाई बाई टू हंड्रेड पासकल तो हम देखेंगे एट हंड्रेड पासकल इज प्रेशर यहां पर हाफ नहीं हुआ ठीक है अ फैन प्रोड्यूस टू सॉरी टू हंड्रेड पासकल का मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई बाई तकरीबन फोर हो गया यहां पर ठीक है एट हंड्रेड आ गया अच्छा एग्जाम्पल टू देखें सिस्टम हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 250 फिफ्टी पैसकल एट एन एयर फ्लो फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब पर आवर ठीक है फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब पर आवर वट विल बी द रेजिस्टेंस इफ वी रिड्यूस द एयर फ्लो टू फोर हंड्रेड मीटर क्यूब पर आवर तो एस पी टू निकलेगा फोर हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड का स्क्वेयर ये भी याद रखिएगा स्क्वेर है मल्टीप्लाई बाई टू फिफ्टी तो हमारे पास जो एस पी टू है वो है वन हंड्रेड सिक्सटी पैसकल अच्छा अब हम इसको अगर इन इन द फॉर्म ऑफ थ्यूरी बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग दी आरपीएम बाई टेन परसेंट डिक्रीज इज प्रेशर अगर हम टेन परसेंट डिक्रीज करेंटेटिकेशन परसेंट अगर हम आरपीएम को 10 परसेंट डिक्रीज करें और स्टैटिक प्रेशर इससे क्या फर्क पड़ेगा बाय 19 परसेंट ठीक है एंड इंक्रीज इन आरपीएम बाय 10 परसेंट इंक्रीज देश ट्वेंटी वन परसेंट अगर हम ये कहें कि आर को अगर टेन परसेंट रिड्यूस करते हैं तो स्टैटिक प्रेशर जो है वो नाइन्टीन परसेंट जो है वो डिक्रीज करेगा और इसी तरीके से अगर हम आर को इंक्रीज करते हैं टेन परसेंट तो स्टैटिक प्रेशर जो है वो ट्वेंटी वन परसेंट जो है वो इंक्रीज करेगा अब हम थर्ड देख लेते हैं थर्ड लॉ थर्ड लॉ जो है वो पावर के हवाले से है पावर रिक्वायर टू मूव एयर थ्रू द फैन और सिस्टम वेरीज विद द क्यूब ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम तो अब क्या होगा जो हमारे पास पावर होगी वो जो भी स्पीड होगी उसका क्यूब होगा ठीक है प्रोपोर्शन टू द स्पीड क्यूब इंटरेस्टिंगलीज ऑल्सो अ पावर रिलेशनशिप अगेन एंड अगेन वेरीज विद द क्यूब ऑफ द चेंज इन एयर वॉल्यूम बींगल की बात करें If the power input to the impeller is 500 watts, delivering a volume of 100 वन per hour, what is the power input when the same impeller is delivering 500 इज per hour? हंड्रेड मीटर हमने आ, जो जो फ्लो है उसको हाफ कर दिया है तो अब हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या आएगी W2 टू इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई वन थाउजेंड का क्यूब मल्टीप्लाई बाई फाइव हंड्रेड तो हम देखते हैं कि W2 हमारे पास सिक्सटी टू पॉइंट

स्क्वेयर था तो उसकी वजह से टेन परसेंट अगर हम रिड्यूस करते थे तो 19% परसेंट हमें डिक्रीज मिलता था और टेन परसेंट इंक्रीज करने से हमें ट्वेंटी वन परसेंट इंक्रीज़ मिलता था तो यहाँ तक जो है वो हमने आज बात कर ली है उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू